वोट तो उन्हीं को देना, काम तो उन्होंने कोई करना नहीं है। जी महंगाई है, महंगाई का दौर घट हुई है, बच्चे बेरोजगार ने उन्हें रोजगार मिली है। और कांग्रेस के कौन है उसका हमने आज आ भी रहे हैं पास में आपके रावण बल्ला जी। काम किए मोदी जी ने, बहुत अच्छे काम किए, बहुत काम किए उन्होंने, काम अच्छे किए हैं। क्या क्या काम किए? केवी स्कूल मिला जो रियासी के लिए, केवी स्कूल मिला। व्यंगात्मक तौर पर आप कर रहे हैं, मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे पार्टी देके वो करेंगे ना। हमारा टोल जो माफ किया हुआ है बीजेपी ने, उसके लिए देंगे बीजेपी को। तो जिनको समझ नहीं आ रही है उनको बता दें कि ये व्यंगात्मक तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी नहीं बना है और एक बंद टोल प्लाजा जो कम करने की बात हुई थी रेट, वो भी नहीं हुए हैं। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी लोकसभा सीट में वोट डाले जाने हैं और इस समय रियासी में चुनावी माहौल क्या है वो जानने के लिए हम निकले हैं। समय हम रियासी के IRP चौक में हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से, कुछ वोटर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और चुनावी माहौल क्या है और इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लोग अपने मत का दान करने वाले हैं वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार हमारे साथ है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सब्जी की दुकान है और भी प्रोविजनल स्टोर भी है इनका। सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या माहौल है इस समय चुनावों का और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार का जो अपना मत है वो देने वाले हैं, अपना वोट करने वाले हैं? हम अपना वोट मोदी को देंगे। कैमरे की तरफ थोड़ा सा, मोदी को देंगे अपना वोट, मोदी को जी। हाँ। मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे किन मुद्दों को लेकर आप प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे? काम शाम अवश्य किए उन्होंने सारे। क्या क्या काम किए? कुछ सब किए हैं। क्या क्या काम उन्होंने? बहुत काम किए मोदी जी ने, बहुत अच्छे काम किए, बहुत काम किए उन्होंने। कश्मीर में कहते हैं कि हालात पहले से बेहतर हो गए, बेहतर हुए हालात कश्मीर में, हालात बेहतर हुए हैं पहले से? हाँ हाँ बेहतर हुए हैं। क्या माहौल है चुनाव का और किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो होने वाला है, खासकर जम्मू रियासी सीट? सर मुद्दे ऐसे के रखने वाले, ऐसे ये चाहिए होगा कि जड़ी महंगाई है, महंगाई का दौर घट हुई है, बच्चे बेरोजगार ने उन्हें रोजगार मिली है, बस ये ऐसे और केड़ा कोई हो, केड़ा कोई सर। दो मुद्दे तो साखा ने कि बेरोजगारी ये कटनी चाहिए, महंगाई जेकी है, ये मुद्दे रोने इस चुनाव में जल्द वोट देने लोगे जाना ते ये माइंड में रोना खास करके ये रोना रोना सर। अच्छा, ये दो मुद्दे काम करने हैं, सरकार ही उन्हें एदे पर काम किया या नहीं होया, कट होया काम? सर मेरी गल सुनो, वो तो सारे पता कि जेडी ये हुन सरकारी बीजेपी है लत्ती खुसे ने या के कीता काम को लोके सारे पता, ठीक है। तो ये मुद्दे असर करना है, इन मुद्दे हाँ इन मुद्दे असर करना है। क्या मुद्दे इस बार असर करेंगे, लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे? पार्टी देखे वो करेंगे ना, मुद्दे नहीं देखेंगे? क्या काम हुए क्या नहीं हुए? काम तो हुए इतने नहीं हुए ज्यादा। अच्छा, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, आप ये मान रहे हैं? एक युवा भी इस समय हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल चल रहा है इस समय चुनावों का और किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इस बार का चुनाव होने वाला है या फिर आप किन मुद्दों को लेकर अपने मत का दान करेंगे? मैं तो मोदी जी को दूंगा वोट। अच्छा, आप कोई मुद्दे भी काम करेंगे या फिर क्यों मोदी जी को क्यों देंगे? उन्होंने काम अच्छे किए हैं। क्या क्या काम किए उन्होंने? जैसे सिलेंडर के फ्री दिए, अब ये दाम कम भी किए सिलेंडर के, और जैसे किसानों को 2000 रुपए हाँ, साल का 6000 मिल रहा है, वो मिल रहा है ठीक। तो मैं तो उन्हीं को दूंगा वोट। जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वो आपको पसंद आ रही हैं और आप इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम? स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, कोई भी काम करेगा स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, पर तो कैंडिडेट जो हैं उनको देख कर नहीं देंगे, सिर्फ जो योजनाएं हैं आप उन्हीं को ध्यान में रखेंगे? मैं तो मोदी जी को देख रहे दूंगा वोट। कैंडिडेट कौन है वो पता है आपको? हाँ पता। क्या नाम है भाजपा के कैंडिडेट? डॉक्टर जितेंद्र। वो दूसरी सीट से? जुगल किशोर शर्मा जी। और कांग्रेस के कौन है उसको हमने आज आ भी रहे हैं पास में आपके, रावण बल्ला जी। जी चलिए शुक्रिया। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक और युवा जो है इस समय हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं, IRP चौक के पास, ऋषि चौक के पास इनकी दुकान है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपने मत का दान करने वाले हैं और चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? आगे तो अभी बीजेपी चल रही है। जी, क्या मुद्दे जहन में रहेंगे आपके, खासकर जब आप अपने मत का दान करने जाएंगे, वोट करने जाएंगे? जो हमारे हमें रियासी में जो इतनी अच्छी रोड मिली हुई है वो देख के देंगे। कटरा रियासी रोड जो इतनी अच्छी रोड मिली हमें पिछले 10 सालों में। जी, और क्या मुद्दे रहेंगे? और हमें केवी स्कूल मिला जो रियासी के लिए, केवी स्कूल मिला हुआ है। व्यंगात्मक तौर पर आप कर रहे हैं, मुझे पहले लगा कि जो रोड बन चुकी है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, संघर्ष करना पड़ा, जितनी धूल मिट्टी खानी पड़ी आप। और हमारा टोल जो माफ किया हुआ है बीजेपी ने, उसके लिए देंगे बीजेपी को। जिनको समझ नहीं आ रही है उनको बता दें कि ये व्यंगात्मक तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी नहीं बना है और एक
वन टोल प्लाजा जो कम करने की बात हुई थी रेट, वो भी नहीं हुए हैं। और रोड तो हालांकि अभी लगभग बन चुकी है, लेकिन काफी संघर्ष और लंबा समय उसमें लग गया है, तो ये चीजें ध्यान में रहें। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि आप बीजेपी का ही माहौल चल रहा है, वोट तो उन्हीं को देना, काम तो उन्होंने कोई करना नहीं है, वोट तो बीजेपी को देना। लेकिन वोट अगर काम नहीं हुआ तो फिर वोट क्यों? और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपोजिशन में, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए शुक्रिया।